सो भाई आई थिंक आप सभी ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं भी गया तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, आपका एडमिट कार्ड आपकी मेल पे आ जाएगा। और वैसे भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको खाना तो है नहीं, आपका एडमिट कार्ड और आपकी ईमेल आईडी पे भेजा गया है। दूसरी बात मतलब भेजा नहीं गया, भेज दिया जाएगा एयरफोर्स के थ्रू अगर अभी आप तक नहीं डाउनलोड कर पाए। और भाई डाउनलोड करके करना क्या है, रिसीविंग तो आपको वैसे भी निकलाना पड़ेगा। अब अंशु भाई पहले नंबर 2-3 यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग वीडियो होने वाला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, और एक वहाँ पे क्वेश्चन सबसे नीचे पे दिया हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि बैक टू बैक प्रिंट एडमिट कार्ड मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन पे फॉर कैंडिडेट्स प्रिंटेड ऑन द रिवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी क्या क्या लेके जाने वाले हैं यहाँ पे वो भी अपने साथ में निपटा लेंगे। सो दिस इज अंशु एंड विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम कम टू द मेन पॉइंट। चलो भाई बात करते हैं, क्या भाई बात करने वाले थे अंशु भाई। तो देखो यार एडमिट कार्ड का टेंशन ना लो, नहीं एडमिट कार्ड डेट तो पता है ना, डेट पता चल गई इतना बहुत है, ठीक है, डेट से ज़्यादा और क्या चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, इंस्ट्रक्शन वगैरह हम कुछ ऐसा नहीं है, अपना जब घर से जाना मास्क लगा लेना। और दूसरा अपना डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है मैं सिंपल सा बता देता हूँ। बहुत लोगों का होगा कि DOB जब होगा, DOB चेकआउट करोगे तो DOB में भी नहीं मैटर करा होगा, किसी का नाम गलत होगा, पापा का नाम गलत होगा, किसी का मम्मी का, बाई चांस किसी का फोटो स्लेट वाला नहीं लगा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप स्लेट वाले ऐसा करना, 3-4-5 फोटो लेते जाना, गम अपने पास से लेते जाना अगर ऐसा कुछ है, बाकी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, स्लेट वाला फोटो लगाओ अदरवाइज ना लगाओ। आगे बढ़ते हैं, बस उससे होता है क्या, उन्हें थोड़ा इजी रहता है, मैं भी आपको थोड़ा सा फेस सेकेंड में ऐसा वैसा हो जाए, बट कुछ भी बाहर नहीं करेंगे ये डैम श्योर मैं हूँ पक्का। ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाए फेस सेकेंड पे मिले। आगे बात करता हूँ, पहले तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ, प्लीज़ प्रेजेंट अ बैक टू बैक प्रिंट आउट ऑफ दिस एडमिट कार्ड एट द एग्जाम सेंटर, COVID-19 गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट अटैच अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड। दिक्कत कोई ना है भाई, आप जो एडमिट कार्ड है ना 5 पेजेस का है, आपको पूरे के पूरे 5 पेजेस लेके जाने हैं उसमें COVID-19, क्योंकि फर्स्ट पेज तो आपका एडमिट कार्ड का होगा, सेकेंड पेज में आपको COVID-19 के मतलब इंस्ट्रक्शन दिए वो एग्जाम आप सभी को यहाँ पे भी मैं शो कर दूंगा, सो डोंट वरी। बट आपको इसका मतलब है पूरे 5 के 5 पेजेस आपको लेके जाने हैं। और लास्ट पेज जो है आपका, इसमें ये भी लिखा हुआ है 4th वाले पेज में आपको कैसे वहाँ पे प्रोटोकॉल्स वगैरह करने पड़ेंगे, मीन्स कैसे आपको सब कुछ चलना वगैरह होगा एवरीथिंग। और लास्ट में जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन COVID-19 फॉर्म, जिसमें आपका नाम दिया है, आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपका हॉल टिकट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ट्रैवलिंग फॉर्म, ट्रैवलिंग नंबर, एग्जाम सेंटर और नेम, ठीक है, ये एयरफोर्स ने खुद भर के फिल किया है। आगे यहाँ पर डू यू मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। एग्जाम सेंटर जाते टाइम आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी हो वो लेके जाना, बट डेफिनेटली डैम सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा लेके जाऊँ इशू भाई, तो एडमिट कार्ड आप कलर प्रिंट आउट करके ले जाना जो आपके लिए फायदेमंद होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फेस सेकंड पे जाओगे तो आपको, अरे सिंपल सा है, अब वो कलर वाला लेके जाना बस। और 10th, 12th का मार्कशीट वगैरह कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, जिसका मैं बता दूं DOB वगैरह गलत है भाई, लेके जाना मार्कशीट नहीं तो फिर दिक्कत होगा मार्कशीट, क्योंकि ऐसा हुआ है एग्जाम सेंटर्स में मैंने देखे हैं, बहुत बार देखा है कि जब भी उनका दिक्कत आता है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो ऐसे ही करते हैं, कहते हैं मार्कशीट से मिलवा दो, तो मार्कशीट लेके आप जाना और अपना DOB जो आपका मैंडेटरी है आपका DOB, तो वहाँ पे वो सही कर लेंगे, मैच करा लेंगे और आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। लेकिन आप नहीं लेके जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। और कुछ भी आपको नहीं लेके जाना, ना डोमिसाइल ना वगैरह वगैरह, बस ये 5 के 5 प्रिंट करा लेना है, इन्हें कलर पर प्रिंट आउट करा लेना है, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर लेना है, नहीं भरना आता तो वो भी बता देना, और बाकी आधार कार्ड अपना ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना, एक पेन लेते जाना अपने पास से, और मोबाइल फ़ोन लेके जाना, आरोग्य सेतु फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद मोबाइल फ़ोन से आप बाहर जमा अंदर जाके जमा करा लेंगे वो लोग, तो अपने मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बैग वगैरह सब कुछ आप पैकअप करके लेते जाना, पेन पेंसिल रबर इरेजर वगैरह चाहो तो लेते जाना, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें। बाकी आप सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, परीक्षा पे टेस्ट नहीं लगाओ तो डेफिनेटली लगाओ जाके बिफोर द एग्जाम। मेरे अकॉर्डिंग आपने अभी तक अगर नहीं लगाया तो ये एक ऐसा मौका है कि आप पहले से पहले जाके वहाँ पे, मैं ये नहीं करूँगा परीक्षा पे, आप कहीं भी किसी दोस्त का ईमेल आईडी ले लो जिसने टेस्ट बाई कर रखा हो, उससे कह दो भाई ला दो अपना नंबर, वो बाई चांस अगर आपको दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं, 140 रुपये ही लगते हैं 40 टेस्ट एक्स ग्रुप के लिए, 40 टेस्ट Y ग्रुप के लिए, और ऑनलाइन टेस्ट लगा के जरूर जाना, क्योंकि लाइक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, परीक्षा पे 2 लाख कैंडिडेट टेस्ट को लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जिसमें 2-2 लाख कैंडिडेट ने टेस्ट लगाए, तो अगर आप 2 लाख कैंडिडेट में फाइट करोगे तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ये आप बिफोर द एग्जाम जरूर देख पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं कहता हूँ आप टेस्ट वाई करते हो, एक टेस्ट कोई सा उठाओ, टेस्ट नंबर 5 उसे लगाओ, ठीक है,
अंत में जब वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा, टाइम चलेगा, इंग्लिश सेक्शन तभी सबमिट होगा जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। उसे टेस्ट को जाकर इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स 60 मिनट में पूरा का पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दोगे, उसके कुछ देर बाद आपका रैंक आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप खुद देख पाओगे, वो एयरफोर्स नहीं रिलीज करेगा, वो परीक्षा के थ्रू रिलीज किया जाएगा। बस इतना ही अंतर है, अदरवाइज एयरफोर्स का 7-8 लाख देंगे, यहाँ पे आप 1 से 2 लाख कैंडिडेट के बीच में फाइट करके देख सकते हो। अगर आपका रैंक 2000, 3000, 5000 के नीचे आ रहा है, आपकी पोजीशन मीन्स आप कहाँ पे मीन्स आप अच्छी जगह पे स्टैंड करते हो, फिर तो आप 15-16 हज़ार कैंडिडेट के बीच में डेफिनेटली आ ही जाओगे। तो बस यही सारी की सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी मैंने बता दिया, प्रिंट आउट का भी मैंने बता दिया। बाकी परीक्षा इंस्टॉल करो, टेस्ट लगाओ एंड ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत है तो बताना, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।